एकत्रित करो तो 120 डिफरेंट वेराइटीज इन अ डे, दैट्स सो सरप्राइजिंग। और पता है 12,000 लोग खाते हैं एक दिन में। नमस्कार, ईशा फाउंडेशन कोयम्बतूर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 250 एकड़ में फैला सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा बनाया एक ऐसा योग सेंटर है जहां दुनिया भर से हजारों लोग यहां अपने आप को रिजुविनेट करने आते हैं। ईशा योग सेंटर का सबसे बड़ा आकर्षण यहां की आदि योगी की प्रतिमा है जो 112 फीट ऊंची है और शिव की यह अपनी तरह की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गिनीज बुक में नाम भी दर्ज है। वैसे तो ईशा योग सेंटर में देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें पारा उष्मीत स्नान कुंड, स्टील से बना अलर्ट नंदी और परम ऊर्जा से स्थापित ध्यान लिंग प्रमुख है। आपको ये सभी चीजें मैंने अपने पहले व्लॉग में बताई है, उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ईशा योग सेंटर की एक और सबसे आकर्षक चीज है, वह है यहाँ का किचन अक्षया। लंगर कहिए या प्रसाद कहिए, ये सब फ्री में यहाँ पर भी मिलता है। और हाँ, जो साधना के लिए यहाँ आते हैं उनके लिए दो मील्स होते हैं और बाकी भी जो लोग आते हैं वो भी आराम से यहाँ पर मील ले सकते हैं। और इसके अपने अपने टाइमिंग है, वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले अक्षया जाते हैं जहाँ पे किचन है और भव्य रूप में खाना बनाया जाता है। लकड़ियाँ दिख रही हैं, ये लकड़ियाँ फ्यूल का काम करती हैं, ये स्टीम में जा कर के। तो यहाँ पर ये जो इतना बड़ा स्टीम दिख रहा है ना, वो उसी के लिए है। और ये मशीन पूरे के पूरे किचन को संभालता है। ड्राई कोकोनट के शेल्स होते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बायोडाइवर्सिटी पर तो यहाँ पर वर्क हो रहा है और हर चीज़ को बहुत ही बेहतरीन रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे किचन में हो या चाहे फार्मिंग में हो। सिंस हम लोग किचन में जा रहे हैं तो बेटर है कि हम वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं अपने बालों की। अक्षया वह जगह है जहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता है, जो इसकी भव्यता को दर्शाता है। इस किचन में आपको सभी प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलेंगे। आप देख रहे हैं लिफ्ट, ये लिफ्ट से सामान ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे लाया जाता है। हम सभी सबसे पहले इसके रॉ सेक्शन में पहुंचे, जहां सभी प्रकार के अन्न और मसालों को स्वयं धोया और पीसा जाता है, कुछ बाहर का नहीं होता। Grocery store, you can call. This for daily, ग्रोसरीज के सेक्शन में जब हम गए थे तो ग्रोसरी का यहाँ पर हिसाब किताब ऐसे होता है कि 28 से 35 दिन की ग्रोसरी ये लोग स्टोर करके रखते हैं स्टॉक में, और ये इनफ हो जाती है। और इसे स्टोर करके इसे वैसा का वैसा रखने के लिए एक टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर में मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो ताकि पेस्टिसाइड ज़्यादा ना हो, वो रखा जाता है। हम तो पूरे पसीने पसीने हो गए थे। पता है आपको, यहाँ पर 120 डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड बनते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है, संस्कृति है, छोटे बच्चे होम स्कूल है, फिर यहाँ जो डिवोटीज़ हैं यहाँ पर जो योगा करने आते हैं वो सारे लोगों के लिए प्रसादम है। इन सारे मील्स को अगर आप मतलब एकत्रित करो तो 120 डिफरेंट वेराइटीज़ इन अ डे, दैट्स सो सरप्राइजिंग। और पता है 12,000 लोग खाते हैं एक दिन में। A few things, few vegetables can that shelf life is more, so we will keep it outside. Few things cannot be kept for a longer time, like our longer time is 1 day or 2 days. Okay. so few goes to the cold room and few. अक्षया की एक और विशेषता है, यहाँ जो भी सब्जी या फ्रूट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं ना, वह सभी ईशा योग सेंटर में ही उगाए जाते हैं, फिर यहाँ उसे खाने के लिए तैयार किया जाता है। मैं तो इतने सारे वेजिटेबल्स देखकर हैरान थी, पहली बार इतना बड़ा किचन जो मैंने देखा था। यहाँ पर काम कर रहे सभी स्वयंसेवक हैं जो या तो साधना कर रहे हैं या
निष्काम भाव से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये जो सेक्शन है ना, वह है बेकरी का, जिसमें पाव से लेकर स्लाइस ब्रेड और मफिन्स तक बनाए जाते हैं। और हाँ, हाइजीन का खास ख्याल रखा जाता है। काम जो भी करो, वो अगर दिल से करो, तो उसका अलग ही इफेक्ट होता है। आपको हम लोग तो मेथी बोलते हैं, है ना, फेनुग्रिक, इसे स्प्राउटेड किया जाता है और उसके बाद आप सोचो कि आपका इंसुलिन लेवल जो है वो कितना बढ़िया हो जाएगा इसके खाने से। मैं तो खाती हूँ रोज सुबह, ऑल्दो मैं स्प्राउटेड नहीं खाती हूँ, भिगोए हुए खाती हूँ। 8,000 से 10,000 चपाती एक दिन में बनती है यहाँ पर, और जो अपम होता है ना वो भी इसी पर ही बनता है। मशीन्स अलग अलग हैं जो फास्ट इतनी क्वान्टिटी में चपातियाँ बना सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सात्विक खाना यहाँ बनता है, यहाँ नूडल भी बनते हैं, और क्योंकि बच्चे भी हैं यहाँ पर तो उनके लिए भी अलग अलग खाना बनता है। वाह, 110 वैरायटीज अगर रोज़ बनाएंगे तो अलग अलग वैरायटीज़ तो देनी ही पड़ेगी। 20 साल से यहाँ पर मास्टर शेफ काम करते हैं और बड़ी निष्ठापूर्वक उनकी जो है ना सर्विस है, और इतना खुश होकर के बता रहे हैं, मैं ढोकला भी बनाता हूँ, मैं खांडवी भी बनाता हूँ, मैं सब कुछ बनाता हूँ, थेपला भी बनाता हूँ। मुन्ना भाई MBBS, वेल, इनका नाम है मुन्ना और आगे कुछ नहीं बता रहे हैं, ये मुन्ना लाल है। और वैसे ये उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन खाना बहुत उमदा बनाते हैं जैसा इन लोग सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ नूडल बहुत बढ़िया दिख रहा, इतने सारे नूडल एक साथ, हम जब 6 लोगों का घर में बनाते हैं ना तब लोचा हो जाता है उसका। लेकिन यहाँ पे देखो एक एक नूडल अलग है। ओके, दैट्स ऑसम, बहुत मेहनत लगती है भाई। यहाँ है स्टीम सेक्शन जहाँ खाना पकता है। अक्षया में खाना पकता है और भिक्षा हॉल में अन्न का दान होता है, जहाँ प्रतिदिन 12,000 लोग अन्न ग्रहण करते हैं, जो अपने आप में ही एक अद्भुत बात है। माँ शिवरात्रि के टाइम पे तो यहाँ पे हुजूम होता है। आई होप इन्होंने इनवाइट किया है कि मैं आपको महाशिवरात्रि भी दिखा पाऊँ। अच्छा, इडली प्लेट्स यू कीप इनसाइड, ओके। बड़े बड़े पाइप दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर से ग्रोसरी को जब नीचे लाना हो तो उसमें डाला जाता है, फिर नीचे आता है ग्रोसरी और फिर उसे इस्तेमाल में लिया जाता है। किचन को घूम लिए और ये खुलता नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो करके आ गया। अब खाना भोजन बाद किया जाए। अब मैं बताती हूँ टाइमिंग क्या होते हैं आपको यहाँ पर प्रसादम लेने के लिए। बच्चों के टिफिन जाते हैं लगता है। यहाँ पर प्रसाद लेना है तो यहाँ दो टाइम के मील मिलते हैं, मतलब ब्रंच और शाम का मील। आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर उस तरीके से नहीं होता। तो सुबह आपको 9:50 से लेकर 9:58 तक, मतलब 8 मिनट तक में आपको गेट के अंदर घुस जाना होता है प्रसादम के लिए। फिर आप अंदर खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 10:35 से लेकर के 10:47 तक दूसरा बैच होगा, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं होगी। फिर होगा 11:10 को ओपन, मतलब आपको खुद के हाथ से खाना लेना है, वरना बाकी सारे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो आपको सर्व करते हैं। शाम का टाइम शुरू होता है 6:50 का, 6:50 से 6:58 तक में आपको अंदर चले जाना है। उसके बाद दूसरा बैच 7:35 से लेकर के 7:47 तक में आपको गेट के अंदर होना चाहिए। उस उपरांत 8:10 को लास्ट बैच होगा। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा ज़रूर। और आप ऐसे ही कुछ और देखना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। तब ईशा योग सेंटर से आप सभी को नमस्कारम।